नहीं है जैसे तिलक नगर में, और इतनी बड़ी ग्राउंड, आई थिंक यू नो, मैं कहते जब भी मैं यहाँ आती हूँ आई फील लाइक माय गॉड इट्स अ ब्लेसिंग अपने भी घर होना चाहिए काइंड ऑफ स्पेस इन, लेकिन पुश यंगस्टर्स इन स्पोर्ट्स वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वी नीड टू हैव एन अकेडमी, वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, जिसके लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी, यू विल नीड, अगर जगह टर्फ लगाना है तो वी हैव टू डू समथिंग इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज उतने फंड्स इट इज नॉट सफिशिएंट इन टू क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ये सब ऑफकोर्स हैव टू टेक द कंसेंसस ऑफ एवरीबडी हियर, ऑल द सिटीजंस, अगर ये करना हो तो ये सिटीजंस की कंसेंस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, मैं आप सबसे धन्यवाद करना चाहती हूं कि एक बार फिर मेरे चुनाव में आप सब मेरे साथ खड़े हैं। आप सब हमेशा की तरह मेरी ताकत हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम और काम बहुत ज्यादा, हमें काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए था। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मैं इस चुनावी यात्रा में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर दूंगी, और हमें यह इलेक्शन लड़ना है और पूरी ताकत लगाकर लड़ना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है इस देश के लिए, हम सब के लिए। तो प्रिया दत्त का इलेक्शन समझ के मत चलिएगा, ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन नहीं है, प्रिया दत्त का इलेक्शन नहीं है, आप सबका इलेक्शन है। हमें दिन रात काम करके ये इलेक्शन जीतना है। मैं आशा करती हूं कि मुझे बहुत मौके मिलेंगे आप सबसे मिलने का, आप सबसे बातचीत करने का, काम करने का। मेरी यही प्रार्थना है कि 40 दिन बाकी हैं और इन 40 दिनों में हमें बेहद काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं, आपकी जो देश के प्रति एक प्रतिबद्धता है उसके लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि ये एक जंग है, एक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम सब एक सिपाही हैं। वो चौकीदार जरूर होंगे लेकिन हम इस देश के सिपाही हैं और एक सिपाही की तरह ये लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलूंगी, धन्यवाद।